सबसे पहले हुई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब 50% लोग ऐसे हैं जो हमेशा हमारे ब्लॉग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अभी कर दीजिए। और मेरे को बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, आप लोगों को महसूस भी इसलिए हो रहा हूँ, इतनी गर्मी पड़ी। इंसान पंखा तो चलाएगा, और चीज तो हमारे घर में है नहीं, मतलब कूलर भी नहीं है जिससे दिक्कत होगी, एसी भी इतनी हैवी ठंड है नहीं, लेकिन पंखे से भी मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरी आवाज बैठ गई है, मेरे को इतनी टफ हो रहा है बोलने में। तो फिर आज है खास दिन, आज है सोमवार, तो फिर आज रहता है मेरा व्रत। तो फिर हम लोग जा रहे हैं बच्चों के साथ मंदिर में। ये यहाँ छुप रखी क्या हुआ, रो क्यों रही, बता क्या हुआ तेरे साथ, बता चल, लोगों को पता, लोग बोल रहे क्या हुआ, रो मत, चल चल नमस्ते प्रणाम कर लोगों को, चल बोल ना। अरे आज ये गुस्सा हो गया, वहां जाके बोलेगी, ठीक है। तो फिर पहुंच गए हैं हम लोग मंदिर में, और चलो नमस्ते प्रणाम करो। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ऐसे निपटाना होता है लोगों को, उस समय इसको गुस्सा आ रहा था, क्या हुआ तेरे साथ। पहले ना तुम जा रहे थे और मैंने सैंडल पहन ली थी, अभी तक नहीं पहने चप्पल, और जैसी चले गए, मैं मामा ने मेरे को रोका, मामा ने बोला तू नहीं जाएगी, और तब मामा ने बोला तू जाएगी नहीं उनके साथ, तू जाएगी भी नहीं। तो उसने तेरे को पकड़ लिया। हाँ। अरे तब मेरे को गुस्सा है, मैं भाग भाग के रोई भी, मैं मेरे मामा को लीची मारी, दो लीची से मारा। हाँ। वो भी हाथ पे। अच्छा। मामा कुछ हुआ ही नहीं मुझे। सोमवार का दिन इसीलिए इतना खास होता है क्योंकि उस दिन मेन जो चीज होती है, उस दिन शिवलिंग में पानी चढ़ाना होता है, और हम लोग लोटा लाना ही भूल गए, मतलब पानी चढ़ाने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन बच्चों के साथ कहीं भी निकलने लग गया, सूरज घर में था तो मजाक करने लग गए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए, उनके बीच शोर शराबे के बीच कोई ना कोई चीज रह जाती है, वरना वो हमेशा आता ही था। अब यहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे मुंह में उंगल लग रखे, इसके मुंह में भी उंगल लग रखे। और देखो पहले काली माता ने कुछ अलग ड्रेस पहनी थी, आज उन्होंने बहुत अच्छा पहन रखा। अच्छा पहले पहना था उन्होंने, तभी भी अच्छे लग रहे थे जब उन्होंने पहले कपड़े पहने थे, वो भी अच्छे लग। आज भी उन्होंने देखो कितने प्यारे कपड़े पहन रखे हैं, चूड़िया। जब भी आप मंदिर आते हो काली माता को देखने, काली माता के लिए चूड़ी लाना था, भूल गया यार भी। देखो उनकी नेकलेस, कुंडल, आजकल तो कुछ कन बन से साफ कर, इतनी गर्मी हो रही क्या बताऊं, मतलब बोलने का मन भी नहीं कर रहा, तब भी करना ही पड़ रहा है क्योंकि काम ही ऐसा है। हल्की हवा चल रही है आज, तो हम लोगों की अब तैयारी हो गई है, अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और हम लोगों की तैयारी हो रही है थोड़ा सा मार्केट जाने की। आज बढ़िया दिन ये है, मैं जब कभी भी मैं मार्केट जाती थी ये लोग बोलते थे हमारे लिए मौसी कुछ नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही, तो आज मैं इन लोगों के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। चलो उठो गौरी आ जा, लोग कैसे बोल, एक दिन मम्मी ने नमस्ते प्रणाम कर दिया था। और दिन में मम्मी और मैं इस टाइम पे अपने अपने कमरों में सोए रहते थे, जब से ये है तब से हर वक्त तैयार हो रखे हैं या तो उठ रखे हैं, वही तो धूप की वजह से कर रहे हैं। दिन में ना, दिन में कभी लाइट जा रही, बहुत परेशान, एक लाइट ने परेशान कर रखा है किस धूप ने। हाँ वही तो, और ना भी कोई बहुत शौक है वाली म्यूजिक लगा दे। मैं तैयार हो रही थी ना, तो मम्मी ने, मैंने मम्मी को बोला था क्यों नानी पे लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही है। हाँ थोड़ा सा देखा ना, मैं लगा रही थी, मैंने मम्मी को बोला तू भी लगा ले, तो तब बोलने लग गई गौरी की लड़ गई रही, गौरी तेरे को कोई मतलब नहीं है ना। हाँ वही तो, बात सही करो पहले उसके। गौरी चले हम लोग, चलो 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 गौरी कहाँ जा रही, चल गौरी बता क्यों नहीं आती, गौरी क्यों नहीं आ रही मार्केट। मैं नहीं जा रही, हमेशा इसको यही का ड्रामा, मेरे को नहीं जाना, थोड़ा घूम फिर लेगी, अच्छा नहीं लगेगा, बॉडी थोड़ी फ्रेश हो जाएगी। एक इसे, अरे वो फोन धूप है ना इसलिए उसका मन नहीं करता होगा यार। हाँ कोई नहीं, सोने दो उसको, बहुत मन करता है उसके जाने का, शाम को तो ठंडा हो जाता ना। सैंडल पहन, मम्मी क्या बनेगी, दे दो ना एक बॉटल। आजकल तो घर से बाहर निकलना है तो मतलब सीधे प्यास लग रही है, इसलिए पैर ही लेके चले जाओ, और सुन बॉटल ऐसी दे जो खो भी जाए तो दुख ना हो,
हो जाएगा तो सीधे निकलो बाहर धूप में बाबा प्यास लगी, फिर सो पर चलो पानी लेने मजा। खो जाए तो गम नहीं, क्या था वो जब याद है, सोने से कम नहीं, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। बोलाक बोल बोल ना करे ना, घंटा खा जाए दो घंटा। अरे यार मिल जाते ना, नहीं सब जगह मिल जाती है, बहुत सारी बातें होती है। घंटा घर व्हाट इज दिस घंटा घर? नहीं मम्मी कह रही ना कि वहाँ घंटाघर जाओ वहाँ सस्ते होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब घंटाघर वालों की भी अपनी जो मार्केट होता है उनके किराए होते हैं 80,000 एक एक लाख रुपए किराया होता है उन दुकानों का, वहाँ भी बहुत महंगा होता है। ऐसा नहीं है ये जूड़ी वगैरह ऐसा होता है कि इसमें कभी सेल लगी होती है कभी कुछ होता है, वहाँ भी ठीक ठाक ही रेंज होती है। कुछ कुछ ब्रांड होते हैं जो महंगे होते हैं, पर देखेंगे कहाँ इधर उधर जाएंगे। विशाल अच्छा है जैसे वैसे जूडियो वीडियो ये भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ के भी अच्छे अच्छे कपड़े दिखते हैं, घंटा घर में भी दिखते हैं, जूडियो में भी दिखते हैं। इसका मन मॉल जाने का कर रहा है, घुमा के लाते हूँ। एक जैसी मैं घुमा के लाते तुम कही वाओ वाओ, अब मैं पैसिफिक वहाँ ठंडी ठंडी हवा लेने जाऊ मॉल में ना, अटा के कपड़े घंटा घर से ले। इतने के सस्ते नहीं होते, कोई डिफरेंस नहीं है घंटाघर और चलो ये सिर्फ बोलने वाली बातें होती है कि घंटाघर मार्केट जाओ, पलटन जाओ, सस्ती चीजें हैं। वो भी एक बहुत मतलब बड़ा मार्केट है वहाँ के दुकानों के, जो उन दुकानों का रेंट होता है कभी हमने किसी पूछा है 70,000, 75,000, 80,000 एक एक लाख रुपए उन दुकानों के रेंट है, एक एक महीने में उन लोगों को पूरे कर रहे हैं। उसके बावजूद वहाँ महंगे कपड़े होते हैं, ये सिर्फ बोलने वाली बातें। लोगों को लगता है ना कि ये जूडियो वगैरह है, ये विशाल मेगा मार्ट है, ये महंगे होंगे, ये शोरूम टाइप है, तो ऐसा महंगा कुछ नहीं होता है वहाँ, बहुत नॉर्मल चीजें मिलती है बहुत सस्ते रेट पे। और मुझे ये पलटन मार्केट ही ज्यादा महंगा लगता है, खाली लोग उससे जज करते हैं ना, जो वो दुकानों से बाहर जो वो दो चार टॉप वगैरह मिल रहे होते हैं 100-200 रुपए के, लोग उससे जज कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ जो दुकानें हैं उनमें अगर घुसो तुम तो बहुत बड़े रेंज के, मतलब पूरा वही जो ट्रेंड्स वगैरह की सूटें होती हैं उनका रेट भी बिल्कुल वही होता है। तो इसे बोलने वाली बात है, सब जगह जाना चाहिए जिन लोगों को प्रॉपर, जो केवल पलटन मार्केट ही घुसते हैं, कभी जाना आप लोग दूसरी जगह भी, आप लोग डिफरेंस देखेंगे कि भाई इतना कोई रेट का अंतर है नहीं, जबकि सस्ता ही है इन जूडियो वगैरह में। तो स्कूटी कर दी हम लोगों ने यहाँ पार्किंग में खड़ी, हम कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं मतलब अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं वी मार्ट ऊपर, वी मार्ट, तब उसके हम जूडियो जाएंगे, तब उसके बारी। हाँ हाँ हाँ, अभी देखेंगे कहाँ कहाँ जाना है। चल हम सूट जाएंगे तब हम कहाँ जाएंगे, चल चल देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। यहाँ मेरे बहुत कपड़े आ रहे हैं, मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये वाला, ये व्हाइट वाला यार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा है। पर ये ज्यादा बड़ा नहीं हो गया साइज यार तेरे अकॉर्डिंग? हम लोग आ गए अभी ट्रायल रूम में, और ये देखो आज हमारी देविका करेगी कपड़े ट्राई, पर ये इतनी उतावली कर रही है ना, एक बार देखने नहीं दे रही है, इसने दो कपड़े देख लिए बोल रही यही डन करेंगे हम लोग। तो ये हम लोग इसके लिए दो चार पीस लेके आए हैं, इनमें से इसको जो पसंद आएगा ठीक है। मुझे तो मेरे को तो ये पिंक चाहिए और ये ब्लू चाहिए, दो ही पहले ट्राई करेंगे। ब्लू तो सच्चा कलर होता है कुछ तरह से, इतना प्यारा लग रहा है मुझे ये ब्लू और ये क्या है ना, बस दोनों लेना है क्या? हाँ। आगे दिखा कौन सा अच्छा, इसका थोड़ा साइज एक साइज छोटा लेना पड़ेगा इसका। मुझे ये वाला नहीं लेना, मुझे ये नीला और ये वाला चाहिए। ये बहुत सस्ता है, 200 रुपए का है भाई ये, और कंफर्टेबल भी है कपड़ा, देख इसका एक, इन दोनों में से कोई एक ले ले, इसको ले ले एक, मुझे नीला वाला चाहिए ठीक है। हाँ ठीक है, ये नीला वाला एक, इसको ले लेंगे दो ठीक है, तो एक पैंट ले लेंगे। एक ये वाला लूं? अच्छा ये वाला लेना है भाई, ये कंफर्टेबल है, घर में लोग इन्हीं को पहनते हैं, अच्छा नहीं लग रहा? कौन सा अच्छा लग रहा? अच्छा है भाई, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको नहीं लेना मुझे। 100 रुपए का है भाई, तुझे खाली इन्हीं पे नजर पड़ी हुई, इसको मतलब शुरू से ये पसंद आ रखा है, एक ये लेना है, तो ये कोई और कपड़े पहनने को तैयारी नहीं हो रही, कह रही है कि नहीं नहीं देख भी नहीं रही है भाई, यही इनकी आदतें मुझे खराब लगती है। मैं 5-6 पीस लेके आई ना, ये लाने दे रही, नहीं बोल रही ब्लू वाला उसी पे नजर लगी हुई है तब से, क्योंकि ब्लू कलर ब्लू अगर एक पसंद भी होगा समझ, ये थोड़ी और कंफर्टेबल चीज नहीं लेनी, ब्लू सच्चा रंग होता है, सच्चा मतलब क्या होता है, सच्चा रंग क्या होता है, मन वाला रंग। तो ये कैसा है, पसंद आ रहा है? साइज की बात कर रहे हैं तो एक साइज छोटा ले लेंगे इसका, यार ये तो बहुत लंबा है ठीक, एक साइज पेट तक थे बस, थोड़े नीचे इतना लंबा नीचे मुझे यहाँ तक। ये हमने ले लिया है गौरी के लिए, और तू बता ना, एक तो मैंने ये नीला वाला, एक मैंने एक ये टी शर्ट लिए इसके लिए,
और ये हमने इसके लिए अभी थोड़ा सा लेगीज वगैरह ढूंढने में दिक्कत हो रही है, गौरी के लिए हमको ये तीनों मिल गए। तो फिर ले लिए मैंने दोनों के लिए, थोड़ा सा साइज ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब थोड़ा सा मिल गया इस मॉडल का। अभी वो दूसरी जगह से लेंगे ना, इसके लिए पजामे मिल नहीं रहे हैं तो उसके लिए हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। ये मैंने कुछ ले लिए हैं, ये लोग कह रहे थे फ्रॉक वगैरह लो, मैंने कहा नहीं यार उनको केवल लो, इतने महंगे बात महंगे की नहीं है, उनको केवल लो और पहने भी नहीं जाते हैं क्योंकि खास फंक्शन कौन ही पहन रहा है। टी शर्ट वगैरह लोगे तो घर में रोज पहने के लिए हो जाता है, मतलब उनको केवल लेके रखना होता है, एक दिन पहनना होता है और बाकी कंफर्टेबल चाहिए तो यही होती है, इसलिए मैंने ज्यादातर टी शर्ट वगैरह ही चूज कर। दो इनको भी उठा भाई, वन कैटन में उठा, दो उठा दे, चल दो लाख खर्च नहीं होगा, दो लाख है आपके पास, चल चल चल। ओ भाई नीचे गिर गए। तो फिर अभी काफी सारा सामान रह गया है हमारा, तो अब बारी है कहाँ जाने की, क्या लिखा हुआ ये Max. क्या इधर देख के बता, मैक्स में जाने की। अब हम वीडियो तो गाइस देख सकते हो, मैं इसको यहाँ यहाँ घुमाऊंगी, ऐसे घुमा इसको यहाँ, तब इसको यहाँ लाओ, ये बच्चों के लिए खेलने के लिए मुझे। तो पहले कपड़े देखे रहोगे टाइम बराबर का, आप बोल। तुम आ चुके हैं वो क्या बोलते हैं बाजार से, और तुम ये चीजें लाए, मैं दिखाती हूं। दिखा नहीं, हो गया हो गया, सबने देख रखा है, नहीं 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 वही तो, सबने देख रखे तेरे, वाह दिखा सैंडल, सैंडल तो हाथ पे ही रखे हुए, सैंडल को ज्यादा ही पसंद आ रही है। गौरी के लिए क्या लाए, गौरी गौरी की तो सैंडल है वो, हाँ अरे बहुत पिताता है हमें, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आज हमने इनके लिए, मम्मी ये पता क्या बोल रहे थे, ये पता क्या बोल रहे थे वो, वैसे फ्रॉक फ्रॉक लाने के लिए, मैं इनका कंफर्टेबल टी शर्ट वगैरह लो, तो इसलिए गौर यहाँ दिखा, गौरी के लिए ना सैंडल नहीं लिए मैंने, क्योंकि एक तो गौरी के साथ, नहीं 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 वो तो ठीक है, साइज की दिक्कत हो रही थी ना इसके। गौरी यहाँ दिखा अपनी फ्रॉक, लोग बोल रहे गौरी कितनी सुंदर लग रही, यहाँ नानी के सामने, वाव यहाँ दिखा, वाव इधर आ, तू क्या बोल रही बोल, मैं नहीं लग रही सुंदर, नहीं तू भी सुंदर लग रही है, आप नहीं हो, आप तो राक्षस हो दुनिया के, यो यो अता बोलो, बहुत चिकन खाते हैं मामा, मैं एक थप्पड़ मारूंगी ना ज्यादा बोलेगी तो, हर चीज पे इसके मन की करो और दिन भर दूसरे के लिए उल्टी सुल्टी बातें, सॉरी बोल चल, सॉरी इधर आ, मामा को सॉरी बोल, चल चल इधर आ, चल इधर आ, इधर आ, पिताता है तो क्यों पीती है तू, है तो तुझे पता है सैंडल मांग रहा, तेरे सैंडल पहन के जाएगा क्या वो, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए तेरे पे। मैं नर्स नहीं, यू नहीं, तुम्हें अब होता मर, एक सेकंड ना मर्ज नहीं हुए तो भी छह गाय दी रही उनकी, ये ऐसा करता है वैसे करता है, चल वापस करा सैंडल दुकान में, हाँ वही तो ठीक बोलते हैं लोग इसको, बोलो बोलो इधर बोलो, हम थोड़ा चाय बनाते हैं, ये चाय नहीं छूटती यार, वही तो, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो कुछ, इस गर्मी में तो मैंने ज्यादा ही चाय पी, वही तो बड़े बड़े ग्लास तो हमेशा ही चलते हैं, वही तो, ये हमेशा का है तो, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही है, ज्यादा ही है क्योंकि गर्मी, गर्मी, अरे लोहा ही लोहे को काट सकता है, गर्मी ही गर्मी को काट सकती है। तो चलो तुम जाओ पार्क में, चलो आप सबके पार्क में जाने की तैयारी हो रही है, चलो फिर वहाँ से आने के बाद मिलते हैं, गंदे गंदे चेहरे लेके आते हैं पसीने वाले, ठीक है उसके बाद मिलते हैं, बस अब शाम को मिलेंगे भाई सब लोग। मैं चुका है ब्लॉग कहीं पे खत्म करने का, बहुत जल्दी मिलेगा आपसे नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।